हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबको बना के दिखाऊंगी चिकन दो प्याजा का रेसिपी। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं इसको बनाऊंगी, लेकिन इसका टेस्ट होगा एकदम रेस्टोरेंट जैसे। तो चलिए शुरू कर। पहले मैं चिकन को अच्छे से मैरिनेट करूंगी। इसके लिए मैंने 400 ग्राम्स चिकन लिया। उसमें मैं डालूँगी 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर। फिर मैं चिकन को अच्छे से मिक्स करूँगी और ढक के 1 घंटे के लिए मैं छोड़ दूँगी। दूसरी तरफ मैं एक मसाला रेडी करूँगी। उसके लिए मैंने 100 ग्राम्स दही लिया। उसमें मैं डालूँगी 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर। इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। मेरा मसाला एकदम रेडी हो गया। मैंने पहले से कढ़ाई में 4 टीस्पून वाइट ऑयल डाल दिया था गर्म होने के लिए। तेल गर्म हो जाने के बाद मैंने 3 मीडियम साइज़ का ऑनियन इसमें डाल दूँगी। फिर मैं डालूँगी 3 मीडियम साइज़ का टोमेटो पेस्ट। फिर इसको मैं अच्छे से पकाऊँगी। फिर मैं इसमें डालूँगी 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अभी मैं जो दही वाला मसाला रेडी किया था उसको मैं इसमें डाल दूंगी। डालने के बाद तुरंत मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। एकदम लो फ्लेम में मसाले को अच्छे से पकाऊंगी। अभी मैं चिकन इसमें डाल दूंगी। फिर चिकन को सारे मसाले के साथ अच्छे से मिक्स करूंगी। अभी मैं इसमें डालूंगी 1 टीस्पून नमक। नमक मैंने पहले भी डाली थी मैरिनेशन के टाइम पे, इसलिए नमक थोड़ा देख के डालिएगा। अभी मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर। फिर मैं इसको अच्छे से मिक्स करूंगी। अभी ढक के मैंने 5-6 मिनट अच्छे से पकाऊंगी। 5-6 मिनट बाद इसमें मैं 2 ग्रीन चिली डाल दूंगी। फिर मैं डालूंगी 1 कप पानी। अभी मैं इसमें ऑनियन डालूंगी। ऑनियन को मैंने ऐसे बड़ा बड़ा काट लिया। फिर मैं ढक के 5-6 मिनट के लिए और पकाऊंगी। फिर मैं डालूंगी टोमेटो। टोमेटो को भी मैंने ऐसे बड़ा बड़ा काट लिया। टोमेटो के चारों तरफ मैं इसको ऐसे काट लूंगी। फिर इसको भी अच्छे से मैं मिक्स करूंगी। टोमेटो और ऑनियन ज़्यादा पकने नहीं दूंगी, थोड़ा क्रंची रहेगा तो ही खाने में मज़ा आएगा। अभी मैं इसमें डालूंगी धनिया पत्ता। फिर इसको अच्छे से मिक्स करूंगी। एकदम लास्ट में डालूंगी कसूरी मेथी। फिर अच्छे से मिक्स करके मैं गैस का फ्लेम बंद कर दूंगी। मेरा चिकन दो प्याजा एकदम बन के तैयार हो गया। इसको मैं गरम गरम सर्व कर दूंगी। आज का जो रेसिपी है, आप लोग इसको घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए फिर मिलेंगे नए रेसिपी के साथ। टेक केयर, टाटा बाय बाय।